एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं, सर्व समीकरणों के प्रयोग द्वारा गुणनखंड। अब सर्व समीकरणों के प्रयोग द्वारा गुणनखंड करने के लिए अपने यहाँ पर तीन सर्व समीकरण काम में ले रहे हैं। पहले सर्व समीकरण है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो अपने सर्व समीकरण पढ़ा था, बहुपद पढ़े थे उसमें पढ़ाया था आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दो संख्याओं के योग का वर्ग है यहाँ पर, और यह दो संख्याओं के अंतर का वर्ग है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस ए बी स्क्वायर है, राइट। फिर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी दो संख्याओं का योग इंटू दो संख्याओं का अंतर, यही है, दो संख्याओं का योग इंटू दो संख्याओं का अंतर। इसको हम कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसको, ए स्क्वायर, यानी पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लिख करके करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स, एक उदाहरण ले लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस सोलह, एक्स स्क्वायर प्लस आठ एक्स है माइनस प्लस आठ एक्स प्लस सोलह के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस आठ एक्स प्लस सोलह के गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करो उसके। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, इस रूप में लिखेंगे नहीं लिखेंगे, इस रूप में लिखो पहले, तो अगर इस रूप में ये लिख जाता है तो फिर इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो x को कैसे लिख सकते हैं अपन, x का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, वर्गमूल करके, फिर 2ab प्लस 2, a की जगह क्या है x और b की जगह 16 कितना है, 16 का वर्गमूल कितना होता है, यहां कर दो प्लस, 16 का वर्गमूल कितना है 4 का स्क्वायर, 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो यहां b की जगह कितना आ गया 4 आ गया। तो इसको हम लिख दिया, देख लो वापस लो, x स्क्वायर लिख दिया अपन ने, x का वर्गमूल कर x स्क्वायर हो गया, 4 दो ना 8 x हो गया और 4 का वर्ग 16 होता है, तो इसको उल्टे क्रम में लिखना है। अब इस क्रम में है, इस रूप में आ गया और इस रूप में है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसा है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से चलता है सर्व समीकरण, दोनों पक्ष से हल होती है, ऐसा दे रखा है तो उसको ऐसा लिखना है और ऐसा दे रखा है तो उसको ऐसा लिखना, समझ में आ रहा ना। तो इसको कैसे लिख देंगे, पहली संख्या x, a की जगह तो कितना है x, x आ गया, यहाँ प्लस है तो प्लस, और b की जगह कितना है यहाँ पर है 4, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से इसको हम हल करते। फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लो, एक 4y² माइनस 12y प्लस 9, 4y² माइनस 12y और प्लस है, और वही सिस्टम ऐसे लिखेंगे, 4 का वर्गमूल 2, y² को y, 2y का स्क्वायर लिख देंगे इसको हम, फिर प्लस 9 का कितना हो गया 3 का स्क्वायर, 9 का वर्गमूल 3, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2 लिखना है, लिखना है 2y और इनटू में 3 आ गया, वापस हो गया 3 दुनी 6, 6 दुनी 12y हो गया माइनस। अब इसको कैसे लिख देंगे हम, 2y माइनस है तो माइनस और ये 3 का होल स्क्वायर आंसर। तो ऐसे सर्व समीकरणों के प्रयोग के द्वारा हमें गुणनखंड ज्ञात कर। उनचास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर गुणनखंड करो। अब देखिये 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, पी स्क्वायर का पी होल स्क्वायर, 7 पी का होल स्क्वायर हो गया, माइनस है बीच माइनस, 36 को हम कैसे, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, 6 का वर्ग 36 होता ना, तो ये हो गया इसका वर्गमूल। अब देखिए कौन से रूप में आ गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थर्ड सर्व समीकरण नंबर थर्ड है कि नहीं इस रूप में। अब लिख देंगे चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है कि नहीं होता है,
उसमें क्या है अपने पास थर्ड, ए की जगह तो कितना है 7p और बी की जगह कितना है 6 है, तो लिख दो 7p प्लस 6 और 7p माइनस 6, ये आंसर है। एक और देखो एग्जांपल, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर के गुणनखंड करो। अब देखिए इसमें ये अलग है ये अलग, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर सरसोनी का क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते ही नहीं लिखते हैं, लिखते ना तो सीधा सीधा ये दे रखा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। अब देखो इसको कंबाइंड एक मानो, पूरी संख्या एक कहलाएगी, तो पहली संख्या का वर्ग और ये माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, तो कौन सी संख्या, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाले सरसमी क्या लगेगी, अभी लगी हुई ए की जगह तो क्या आएगा ए माइनस बी पूरा आएगा और बी की जगह क्या आएगा सी आएगा, ठीक है ना, तो ए प्लस बी ए की जगह आ गया ए माइनस बी और प्लस सी, और दूसरा ए माइनस बी और माइनस सी, यहाँ पर ए माइनस बी ए है, पूरा ए है, ए को ए माइनस बी माना गया, ठीक है ना, इस प्रकार से आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, सब क्या आ गया समझ में, एक बार और देखो रिपीट कर दू इसको, इस प्रकार के सवाल में कंफ्यूजन हो जाएंगे आप, x प्लस ए और x प्लस बी रूप के गुणनखंड, x प्लस ए और x प्लस बी रूप के गुणनखंड, तो देखिए इस रूप के गुणनखंड में क्या होगा, x प्लस ए इंटू x प्लस बी, अगर इस रूप में आ रहा है तो x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस बी इंटू x और प्लस ए बी आ जाएगा, जाएगा x प्लस ए इंटू x प्लस बी रूप में अगर है तो x स्क्वायर प्लस a प्लस बी x और प्लस ए बी, ये चार सर्वसम्मी का नंबर कौन सी हो गई, चार, तीन पहले लिख ली थी, चौथी सर्वसम्मी का हो गई, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करना अपने को, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस छह के गुणनखंड करना इस विधि से। अब यहां पर देखिए ए बी, ए बी छह का मान, छह तो किसका मान है, ए बी का मान, ए बी का मान तो कितना छह, और ए प्लस बी, ए प्लस बी की जगह कितना आ रहा है, यहाँ पर पांच आ गया, तो ए प्लस बी की जगह तो कितना है पांच और ए बी की जगह छह, तो छह के गुणनखंड करो इस रूप से कि ए और बी का दोनों का मान आ जाए, तीन और पांच, तो तीन दूनी छह, तीन और दो ले लिया तो दोनों गुणा करेंगे तो छह आ रहा है और जोड़ेंगे तो पांच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ए का मान दो हो गया तीन और बी का मान कितना हो गया दो। अब रखो सूत्र में एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी तीन प्लस दो इंटू एक्स और प्लस तीन इंटू दो ए इंटू बी हो गया। अब इस रूप में है तो ऐसे लिखेंगे अपन, तो एक्स एक्स के साथ में क्या प्लस ए, तो एक्स प्लस ए की जगह कितना था तीन, तो एक्स प्लस तीन और बी की जगह दो था तो एक्स प्लस दो आ गया, इस प्रकार से। ऐसे दूसरा प्रश्न करते हैं, इसमें वाई स्क्वायर माइनस सात वाई प्लस बारह, भी ए बी का मान तो कितना है बारह, वह ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान कितना है सात है, ए प्लस बी का मान कितना है यहां पर सात। अब देखिए इसके गुणन बारह, बारह के गुणनखंड करो, इसको लिखना बारह के गुणनखंड करो, चार इंटू तीन और चार इंटू तीन को गुणा करें तो बारह आना चाहिए और जोड़े तो सात आना चाहिए, किसका माइनस का, तो चार भी माइनस का ले लो और ये तीन भी माइनस का ले लो, चार भी माइनस का लेंगे और तीन भी माइनस का लेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस चार इंटू माइनस तीन कितना हो गया, गुणा करो दोनों को तो कितना आ गया प्लस का बारह और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया माइनस का सात आ गया, सात, ठीक है ना, तो चार और तीन ए प्लस बी की जगह कितना आ गया चार और तीन आ गया। अब रखो सूत्र में वाई स्क्वायर माइनस चार वाई माइनस तीन वाई प्लस बारह, ये सात वाई को हम ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ लिखा ना अपने, ये देखो यहाँ लिखा अपने तीन प्लस दो एक्स लिखा ना, तीन प्लस दो एक्स लिखा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तीन एक्स प्लस दो एक्स भी तो लिख सकते हैं, खोल करके इसको गुणा करो एक्स को तीन से,
प्लस दो से करेंगे दो एक्स, तो तीन और दो कितने पांच एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख दिया अपन, ये आ गया। अब दो दो के जोड़ों में से कॉमन लेंगे, कॉमन लेना बताया था कि नहीं बताया था मैंने, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, वाई, वाई आ रहा है केवल, वाई यहाँ वाई का भाग देंगे तो कितना वाई, और यहाँ वाई कैंसिल हो गया तो माइनस चार, यहाँ माइनस तीन कॉमन आ गया, ये तो बच गया वाई, माइनस तीन का भाग देंगे प्लस बारह में तो माइनस के चार, ब्रैकेट की राशि समान है ना, तो वाई माइनस चार कॉमन, यहाँ क्या बच रहा है वाई बच रहा है और ये माइनस का तीन बच रहा है, तो ये गुणनखंड हो गया वाई माइनस चार और वाई माइनस तीन, वाई माइनस चार और वाई माइनस तीन, ये गुणनखंड हो गया। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड अपने को करने हैं। 14.2 प्रश्नावली जो है 14.2 के प्रश्न हमें कल, आज तो क्या करना आपको जो मैंने सवाल बताए ना, सवाल जो बताए उन्हीं को रिपीट करना, उनसे संबंधित एग्जाम्पल है वो हल करने, फिर इस प्रश्नावली के सवाल जो मैं कल करूंगा, ठीक है बेटे? यस सर।